चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो के साथ जो कि है एप्सन का एल थ्री टू डबल ज़ीरो प्रिंटर को आज लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करता है वो हम देखेंगे तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करें तो देखो भाई जो पीसी है डेस्कटॉप है और लैपटॉप जो है दोनों में जो प्रिंटर कनेक्ट करने का प्रोसेस जो है वो सेम है तो यहाँ पे हम सिंपली आप लोगों को दिखा देते हैं बहुत सारे दोस्तों जानते हैं कि कैसे कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के लिए हमको एक केबल की ज़रूरत होती है इससे और एक डिक्स होता है दिस में जो प्रिंटर का ड्राइवर होता है वो ड्राइवर रहता है तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए यहाँ पे जो ये केबल है ये केबल प्रिंटर से कनेक्ट हो जाता है और ये जो केबल है ये केबल को हम पहले प्रिंटर में कनेक्ट कर लेता है तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे जो हमारा केबल है ये केबल को हम प्रिंटर में कनेक्ट कर लेंगे दोस्तों आप लोग ध्यान से इस केबल को अपने प्रिंटर में कनेक्ट कर लीजिए तो प्रिंटर में कनेक्ट करने के बाद आप लोगों को जो केबल का एक साइड है यू पॉइंट वो आप लोगों को लेप अपने जो लैपटॉप है लैपटॉप में कनेक्ट करना है क्योंकि यहां पे सिर्फ यूएसबी चलता है ब्लूटूथ का कनेक्शन नहीं है वाईफाई का कनेक्शन नहीं है दोस्तों यहाँ पे एप्सन का जो बॉक्स है वो बॉक्स में मिल जाता है हमको ड्राइवर डिस्क यानी कि जो प्रिंटर के प्रिंटर के साथ हमको ड्राइवर डिस्क मिल जाता है और ड्राइवर डिस्क को हमने पहले से इंस्टॉल करके रखा है आप लोगों को सिर्फ अपने जो लैपटॉप है लैपटॉप के डिस्क पोर्ट में यहाँ पे लगाना है और डिस्क पोर्ट जो है अगर आप लोगों के लैपटॉप में है तो ठीक है अगर नहीं है तो आप लोगों को एक्सटर्नल डिस्क पोर्ट लेना होगा तो दोस्तों यहाँ पे हम जो हमारा डिस्क है वो डिस्क का ड्राइवर जो है वो ड्राइवर इंस्टॉल कर लेते हैं इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए हमारे पास दो प्रिंटर है एप्सन का एल थ्री वन डबल जीरो और एप्सन का एल थ्री टू डबल जीरो ये है एप्सन का एल थ्री टू डबल जीरो सीरीज का प्रिंटर हमने ऑलरेडी ड्राइवर इंस्टॉल करके रखा है तो आप लोगों जब यहाँ पर इंस्टॉल करोगे तो आप लोगों का जो कोई भी सॉफ्टवेयर हो जिसमें आप लोग प्रिंट करना चाहते हो कोई भी तो यहाँ पर आप लोगों को सात सब दिखाई देगा एप्सन का जितना भी प्रिंटर है आप लोगों का लिस्ट में यहां पे आ जाएगा तो हमारा दो प्रिंटर के एप्सन एल पे शो कर रहा है दोस्तों तो ऐसे ही आप लोग अपने प्रिंटर को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकोगे अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमको कमेंट करके बता सकते हो हम सोल्यूशन करने के लिए कोशिश करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत